नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से। बनाई हाथगाड़ी, गर्भवती पत्नी नन्ही बेटी 800 किलोमीटर खींच कर पैदल ले आया मजदूर। मध्य प्रदेश से प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की एक मार्मिक तस्वीर सामने आई, जिसमें एक मजबूर पिता 800 किलोमीटर दूर से अपनी नन्ही बेटी को हाथ से बनी गाड़ी पर खींच कर लाता दिख रहा है। गाड़ी के साथ में उसकी गर्भवती पत्नी भी, और ये सब घर लौटने की मजबूरी में उसे करना पड़ा। दरअसल हैदराबाद में रामू को जब काम मिलना बंद हो गया तो वापसी के लिए उसने कई लोगों से मिन्नतें की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कुछ दूर तक तो रामू अपनी 2 साल की बेटी को गोद में उठाकर चलता रहा और उसकी गर्भवती पत्नी सामान उठाकर, लेकिन यह कोई 10-15 किलोमीटर का नहीं बल्कि 800 किलोमीटर का सफर था। तब उसने पैदल ही घर लौटने का इरादा किया। कुछ दूर तक तो रामू अपनी 2 साल की बेटी को गोद में उठाकर चलता रहा और उसकी गर्भवती पत्नी सामान उठाकर, बेटी के पैरों में चप्पल तक नहीं थी। फिर उसने जुगाड़ से हाथ गाड़ी बनाकर रस्सी से बांधा और उसे खींचते हुए 800 किलोमीटर का सफर 17 दिन में पैदल तय किया। बालाघाट से अमित शुक्ला की रिपोर्ट। कहाँ रहते आप? कुंडा मोगा। कहाँ से आ रहे? बाहर कमाने गए थे। हाँ, जुगाड़ हुआ नहीं। हाँ, आने का पैसे का। रुक जाओ ना भैया 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 मुझे ज्यादा टाइम नहीं। 1 मिनट बस। कहाँ रहते आप? कुंडा मोगा रहते। कहाँ से आने हो रहा? हैदराबाद से आ रहे। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से। सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको। हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो खाना योग्य नहीं था। कहाँ? रजेगांव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ, हो गई। तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल पाई है? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके नहीं। कितने दिन हो गए आप आए हुए? हमको तीसरा दिन हो रहा है। तीसरा दिन? दूसरा दिन हो रहा है। दूसरा दिन कल हम लोग निकले थे वहाँ से 10-11 बजे। अभी ये कल भी गया, रात भी गई, और अभी ये चल रहा है, ये जा रहे हैं। तो आप इतनी गर्मी में आ रहे, किस शासन के किसी नुमाइंदे ने आपकी कोई मदद नहीं करा? जी सर, हम लोग लगातार जो इस समय कोरोना संकट चल रहा है, इसमें ये भी है कि बालाघाट जिले में दक्षिण के राज्यों से कई सारे मजदूर काफ़ी संख्या में पैदल चल के भी आ रहे हैं, गाड़ियों से भी पहुंच रहे हैं। तो अभी भ्रमण के दौरान महाराष्ट्र बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए एक पैदल परिवार देखा, जिसमें पिता जो है राजू घुरमारे, उसके साथ 2 साल की बच्ची अनुरागनी और उसकी गर्भवती पत्नी धनवंता। तो हम लोगों के पास जो भी संसाधन उस समय उपलब्ध थे, बिस्किट्स थे वो प्रोवाइड कराए गए, साथ में बच्ची के पास चप्पल नहीं थी वो प्रोवाइड करेगी, बच्ची को चप्पल दिया गया, और साथ में उनको बॉर्डर पर पहुंचने के बाद मेडिकल चेकअप करा के तत्काल बस से घर रवाना किया गया है। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।